फर्जी मार्कशीट बनाने वाले के, वो क्या था पूरा मामला? थाना कोतवाली पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि जनपद में एक फर्जी मार्कशीट बनाकर नौकरी लगवाने का झांसा देने वाला एक गिरोह काम कर रहा है। पुलिस ने इस सूचना को वेरीफाई किया और इसके बाद जो है जो प्रारंभिक तथ्य निकल के आए उसके हिसाब से यूनिक प्लाजा में दबिश दी गई। तो जो दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, इन दोनों व्यक्तियों ने बताया कि ये एक बड़े गिरोह के सदस्य हैं और इस पूरे गिरोह का काम है अनपढ़ और जो फेल लोग जो होते हैं उनकी मार्कशीट्स बनाना और फिर उसके बाद में जो है वो उनको नौकरी का झांसा देना और उनसे पैसे ठग लेने का। ये जो दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं इनके नाम मोहम्मद हासिन और शादाब हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये अनपढ़ लोग और बाकी कोई भी जो इनके पास आता है उनसे ये पैसा लेके पहले उनकी ओपन स्कूल बोर्ड की जो है वो मार्कशीट तैयार करवाते हैं और फिर उसके बाद में जो है उनको नौकरी के लिए इधर उधर भेज देते हैं। इस व्यक्ति से भी जो है वो इसी प्रकार की धोखाधड़ी की गई, इससे पैसे लेके इसकी फर्जी मार्कशीट तैयार करवाई गई जिसमें लगभग 10 दिन का समय लगा तैयार होने में और फिर इसके बाद में जब इसको नौकरी नहीं मिली तो इसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को करते हुए इन व्यक्तियों के कब्जे से लगभग 15 बनी हुई मार्कशीट्स जो अन्य लोगों की है, इसके अलावा लगभग 17 PC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स बरामद किए हैं। उसके अलावा 2 लैपटॉप, उनके CPU, कीबोर्ड और अन्य उपकरण जिससे ये पूरा अपना रैकेट चला रहे थे इसको बरामद किया है इनकी निशानदेही पे। अब पुलिस जो है इसमें और बाकी परतें खोलेगी और पुलिस एकदम गहराई तक जाएगी, इसमें डिटेल में तफ्तीश की जाएगी कि ये UP ओपन स्कूल बोर्ड की किस तरह से फर्जी मार्कशीट्स बनके और ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है और इसमें अभी और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। पुलिस को अभी जो है अगली कड़ी के लिए और अभी 2 लोगों के नाम पता चले हैं, पुलिस उन दोनों लोगों के भी पीछे लगी हुई है और फिर जब वो बाकी अभियुक्त पकड़े जाएंगे तो इसमें पूरी आखिरी परत तक कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और UP ओपन स्कूल बोर्ड के कौन कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, किस प्रकार से ये पूरा फर्जीवाड़ा करके रैकेट चलाया जा रहा है फर्जी मार्कशीट्स बनाने का, इसका जो है वो पुलिस पूरी डिटेल में तफ्तीश करेगी और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाएगी। सर, जिस व्यक्ति ने शिकायत की वो कितनी उम्र का था और कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति? ये लगभग 25 वर्ष की इसकी उम्र है और ये स्कूल गया था लेकिन इसने जो है वो 10th क्लास नहीं की। इसको नौकरी लगवाने के नाम पर जो है वो इसको 10वीं फेल 12वीं फेल जो पास करें इस तरह के जो इश्तेहार लगे रहते हैं वहाँ से इसको सूचना प्राप्त हुई। इसने इनसे संपर्क किया और फिर इसके बाद में इससे 40,000 रुपये मांगे गए, इसने लगभग 25,000 रुपये इनको दिए। 10 दिन के अंदर इसकी मार्कशीट बन के तैयार हो गई लेकिन उसके बाद में उसकी नौकरी नहीं लगवाई गई। इसी के आधार पर उसने पुलिस को जो है वो शिकायत की कि मेरे साथ इस तरीके से जो धोखाधड़ी हुई है। सर, इन्होंने कोई कीमत रखी थी एक मार्कशीट बनाने का? हाई स्कूल कितने, इंटर कितने? ये अलग अलग हिसाब से और जो क्लाइंट आते हैं उनसे लगभग 30,000 से लेके 50,000 60,000 रुपये तक जो है वो नौकरी लगवाने के नाम पे वसूलते हैं और अलग अलग लोगों से लगभग 50,000 के आसपास की जो अमाउंट्स है उस पर ही अपना सौदा शुरू करते हैं और मिनिमम 25-30,000 रुपये तक भी जो है वो ये बना के दे देते हैं। सर, जो इनकी वेबसाइट है वो इनकी खुद की वेबसाइट है जो ओपन बोर्ड वाले है, वो ही वाले वेबसाइट नहीं है? इनकी खुद की वेबसाइट नहीं है, ये जो यूपी ओपन स्कूल बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट के माध्यम से ये वेबसाइट ये मार्कशीट्स उसको अपलोड करवाते हैं। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन सभी तथ्यों पर काम करेगी और ये सारी जानकारी की जाएगी कि किस प्रकार ये जो मार्कशीट बना के दे रहे हैं ये यूपी ओपन स्कूल बोर्ड की वेबसाइट तक कैसे अपलोड हो जाती है और किसको जो है ये जो इलीगल वेबसाइट्स जो इलीगल मार्कशीट जो बना रहे हैं उसको किस तरीके से लीगलाइज किया जाता है। गाड़ी पीछे देखोगे आपको असली दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कोई हो सकता है हैंग कर रखा होगा ऑनलाइन ही। इतना बड़ा गुस्सा से कर रहे हैं।